लॉकडाउन खत्म होने के बाद पर्सनल व्हीकल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हुंडई, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने इस दौरान जमकर अपनी गाड़ियों की सेल की। जहां फरवरी 2021 में तीनों कंपनीज ने मुनाफा कमाया, कार निर्माता जैसे टोयोटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा कार्स ने इस महीने सेल्स में वृद्धि दर्ज की है। मारुति सुजुकी ने 11.8% की सेल्स बढ़ोतरी दर्ज की। जहां कंपनी ने फरवरी में कुल 152,983 यूनिट सेल की, तो वहीं पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 136,849 यूनिट्स का था। मारुति ने पिछले महीने स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर को बेचकर 15.3% की वृद्धि दर्ज की, जो 80,517 यूनिट्स था, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 69,828 यूनिट्स का था। वहीं विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस, अर्टिगा की सेल्स 18.9% बढ़ी है। इस दौरान पिछले साल यह आंकड़ा 22,604 यूनिट्स का था, तो वहीं इस साल ये 26,884 यूनिट्स है। हुंडई की सेल्स की बात करें तो हुंडई ने डोमेस्टिक सेल्स में 29% सेल्स की बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले साल यह आंकड़ा जहां 40,010 यूनिट्स का था, तो वहीं इस साल यह आंकड़ा 51,600 यूनिट्स का है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड पिछले महीने डबल डिजिट में पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो पिछले महीने यह आंकड़ा 27,225 यूनिट्स का था। महिंद्रा ने 41% सेल्स वृद्धि दर्ज की है, जहां पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड अब काफी बढ़ चुकी है। महिंद्रा ने पिछले महीने 15,391 यूनिट सेल की, जहां पिछले साल यह आंकड़ा 10,938 का था। जापानी कार निर्माता टोयोटा ने 36% की सेल्स की वृद्धि दर्ज की है। फरवरी में इस कंपनी ने कुल 14,075 यूनिट सेल की थी। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने 10,352 यूनिट सेल का रिकॉर्ड बनाया था, जबकि होंडा कार्स ने सेल्स में 28.3% की वृद्धि दर्ज की है। फरवरी में सेल्स का आंकड़ा 9,324 था, जहां पिछले साल यही 7,269 यूनिट्स का था। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।